मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग फिर से लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे बेटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब आप अपनी इमेज को प्लेन मिरर पे देखते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, क्या वो बिल्कुल आप जैसी होती है। यस, है ना, वो बिल्कुल हमारे जैसी होती है। बट हैव यू नोटिस, क्या आपने कुछ एक चीज़ नोटिस करी है, दैट वर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंट बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। पता है आपको, आप में और आपकी इमेज में जो मिरर पर बन रही है उसमें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है, इस वर्कशीट को पढ़कर हम जानेंगे। तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि देखिए बेटा, जब आप शीशे के सामने राइट हैंड उठाते हैं, अगर आपने राइट हैंड उठा रखा है, तो शीशे में जो आपकी इमेज बनेगी उसमें वो आपका लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, है ना, करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, राइट एंड लेफ्ट बोलते हैं इन एन इमेज फॉर्मेड बाय अ मिरर। एक इमेज जो मिरर पे बनती है, इट द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज, यानी ऑब्जेक्ट का जो राइट लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड बनता है। एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का अगर कोई राइट साइड है, अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड इन द इमेज, वो इमेज के लेफ्ट साइड बनेगा। देखा आपने, चलिए आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ लिखा है, राम से अ व्हीकल ऑन विच द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, यानी राम ने एक गाड़ी को देखा, एक व्हीकल को देखा, उसमें एम्बुलेंस वर्ड लिखा था, लेकिन वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था। राम आस्क्स द क्वेश्चन टू विच टीचर रिप्लाइड दैट, अब राम ने क्या काम करा, इसको देखा, उसके बाद जाके अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि भाई सर या मैम जो भी है, हमने एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ देखा है। तो टीचर ने कहा, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस के आगे की जो गाड़ी है उसका जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस वर्ड को जब देखेगा, लुक इन हिज और हर रियर व्यू मिरर, यानी कि वो मिरर जो उसे बैक का दिखाता है, पिछला दिखाता है, बैक, उसे हम लोग बैक मिरर बोलते हैं जिससे, है ना, शी एंड ही कैन रीड रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर वो एम्बुलेंस इस तरह से लिखा है तो वो उसको इस तरह से नज़र आएगा, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि भाई ये क्या लिखा है, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो इस तरह से नज़र आता है, तो इसीलिए वो उस मिरर में उसको अच्छे से देख लेगा और आगे निकलने के लिए रास्ता दे देगा कि अच्छा ये तो एम्बुलेंस है। आई बात समझ में। अब देखें यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, बोलते हैं टेक सम पीसेस ऑफ पेपर, आप कुछ पेपर के पीसेस ले लीजिए, राइट एम्बुलेंस ऑन वन पेपर, एक पेपर पर आप एम्बुलेंस लिखिए, एंड टॉम ऑन अन अदर पेपर, और टॉम जो है वो दूसरे पेपर पर लिखिए। नाउ पुट दिस टू पीसेस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर टू सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन देयर इमेजेस। अब बोलते हैं कि जो दो पेपर पे आपने, एक पे एम्बुलेंस और एक पे आपने टॉम लिखा, ज़रा अब इन दोनों इमेज, दोनों पेपर्स को मिरर के सामने रखिए और देखने की कोशिश कीजिए, और ज़रा बताइए क्या इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। Similarly, write some more words. इसी तरह से आप कुछ और words भी लिख सकते हैं, and look at their reflection by placing them in the front of the mirror. और इसी तरह से आप words लिखें और mirror के सामने रखें और उसका reflection देखें कि क्या आता है। अब अगर आप बेटा ambulance लिखेंगे तो same as ambulance इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप Tom लिखेंगे तो Tom में spelling की जो जगह है वो तो चेंज हो जाएगी, एम ओ टी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों तीनों में से कोई भी वर्ड उल्टा नहीं होगा, है ना। इसी तरह से देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग काम बताती हूँ, आप एक पेज पे मैम लिखिएगा, ठीक है, और एक पेज पे सर लिखिएगा। आप मैम देखेंगे, मैम आपको वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, जबकि सर जो है वो उल्टा हो जाएगा एम्बुलेंस की तरह, है ना, करके देखिएगा, है ना मज़ेदार। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैम स्पेशल होती हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब फिर से आपको बोलते हैं कि अब आपको क्या करना है नेक्स्ट। अभी तक एम्बुलेंस, टॉम, मैंने आपको बताया कि आप मैम भी देखिएगा, सर भी देखिएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई अब आप एक काम करें, सारी बातें ठीक है, अब आप अपना नाम लिखें एक पेपर पे और उसको उल्टा करके देखें, मतलब उसको शीशे के सामने रख के देखें और बताएं वो क्या होता है, ठीक है। अब बताइए वो कैसा पेयर होता है। चलिए तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम मिरर इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए ये पेपर है, पेपर पे हमने इस तरह से मिरर लिखा तो मिरर में ये इस तरह से उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आंसर पे लिखेंगे कि जो लेटर है, द लेटर गेट लेटरली इन्वर्टेड, क्या हो जाएंगे वो इन्वर्टेड हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे लेटर्स को तलाश कीजिए इन विच द इमेज फॉर्मेट इन अ प्लेन मिरर अपेयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर इट्सेल्फ, यानी कि मिरर के सामने रखने के बाद भी वो लेटर एग्जैक्टली वैसे ही रहें जैसे वो थे, जैसे कि आपका ए, ए को आप मिरर के सामने ले जाएंगे वो नहीं बदलेगा, एम को ले जाएंगे एम नहीं बदलेगा, टी को ले जाएंगे टी नहीं बदलेगा, आई को ले जाएंगे आई नहीं बदलेगा, ओ को ले जाएंगे ओ नहीं बदलेगा, यू वी एक्स डब्ल्यू ये सब नहीं बदलेंगे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे। चलिए तो इसका आंसर देख के हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये वर्ड्स ऐसे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो मिरर के सामने उल्टी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।